क्या आपको याद है कि बीजीय व्यंजक में पद क्या होते हैं? चलिए एक उदाहरण के द्वारा पद को समझते हैं। मान लीजिए कि 4x plus 5 एक व्यंजक है। इस व्यंजक को बनाने के लिए सबसे पहले 4x को 4 और x को गुणा करके लिखा गया। उसके बाद उसमें 5 को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार यह व्यंजक अलग-अलग भाग से मिलकर बना है और इन भागों को ही पद कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें टर्म्स कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं कि पदों की संख्या को कैसे गिनते हैं। अब ये बताइए कि अचर बहुपद 4 में कितने पद हैं? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें केवल एक ही पद है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि चर x में भी एक ही पद है। पहले चलिए देखते हैं कि 4x में कितने पद है। यहाँ पर 4 और x एक दूसरे से गुना हो रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि 4 और x दो अलग-अलग पद हैं? नहीं, यह केवल एक ही पद है। इसका मतलब गुणन पदों को अलग-अलग नहीं करते हैं। अब 4 बटा x को ले लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पद को दूसरे पद से भाग दिया जा रहा है, लेकिन एक साथ यह एक ही पद बना रहा है। तब यहाँ से भी हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब दो पदों को गुणा या भाग किया जाता है, तो इसे एक ही पद माना जाता है। इसका मतलब यह है कि गुणा और भाग के कारण पदों को अलग-अलग नहीं गिना जाता है। चलिए अब एक व्यंजक x plus 7 और दूसरा व्यंजक x minus 7 ले लेते हैं। यहाँ पर दोनों ही व्यंजकों में दो भाग करते हैं और ये दोनों भाग एक दूसरे से क्रमशः जोड़ और घटाव से मिलकर बन रखे हैं। यहाँ पर दोनों ही व्यंजकों में दो भाग हैं और ये दोनों भाग एक दूसरे से क्रमशः जोड़ और घटाव से मिलकर बने हैं। दोनों ही व्यंजकों में पदों की संख्या दो है। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकाला कि जोड़ और घटाने में पदों को अलग कर देते हैं। चलिए अब इस व्यंजक में आप बताइए कि पदों की संख्या कितनी है। वीडियो को रोके और इस प्रश्न का चर्चा अपने दोस्तों से करें। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। हमें पता है कि प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं और गुणा और भाग पदों को अलग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर प्लस और माइनस पदों को अलग करेंगे। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर 4 पद मिल जाएंगे। चलिए अब आप इस सवाल को नोट कर लें और इसे घर पे करने का प्रयास करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये याद रखें कि प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं और गुणा और भाग पदों को अलग नहीं करते हैं।